दोस्तों मैं बताऊँ न्यू BSS मॉडल 2021 स्कोडा कुशक जो 1.0 TSI शैली है और इसकी AC सीरीज सवारियों सब मिलाकर ये पेट्रोल मॉडल है। हर शहर का अलग रहता है। इसका प्राइस है 16,55,719 रुपये। और दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएं। बेल बटन जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को हमेशा मिलती रही। दोस्तों काफ़ी शानदार है ये, भारत में आज लॉन्च हो गई है 28 जून 2021 और काफ़ी शानदार फीचर मिल जाते हैं। देखने में काफ़ी शानदार दिखाई दे हैं और काफ़ी शानदार फीचर मिलते हैं देखने में, काफ़ी पावरफुल। और ये है इसकी इंजन टाइप की बात करें तो 1.0 इंजन मिल जाता है जो TSI MT है और ये है 999 cc की और अधिकतम पावर इसमें 113.98 bhp और 5000 से लेकर 5500 rpm मिल जाती है। अधिकतम टॉर्क इसमें 178 nm और 1750 और 4500 rpm मिल जाती है। सिलेंडर की संख्या इसमें 3 मिल जाती है। वर्ल्ड प्रति सिलेंडर की संख्या इसमें 4 मिल जाती है। फिर सप्लाई सिस्टम डिजिटल मिल जाता है। टर्बो चार्जर मिल जाता है। ट्रांसमिशन का प्रकार मैनुअल मिल जाता है। 6 गियर की है और काफ़ी शानदार है ये। एयरवे 16 से 18 किलोमीटर प्रति एयर बीच में दे सकती है। और पेट्रोल BSS मॉडल, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप इसमें 50 लीटर फ्यूल भर सकते हैं। सामने ऊपर बात करें तो 2 वाइपर मिल जाते हैं, वाशर मिल जाता है और ग्रिल काफ़ी शानदार मिल जाती है। स्कोडा का लोगो मिल जाता है, काफ़ी शानदार क्रोम की फिनिश मिल जाती है मतलब ग्रिल के पास। और LED DR के साथ हेडलैम्प मिल जाता है, इंडिकेटर के लिए मिल जाता है और इस मॉडल में फॉग लैम्प मिल जाता है काफ़ी शानदार। और सामने डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाता है। फ्रंट टायर की बात करें तो 205/60 R16 मिल जाता है। रियल का भी 205/60 R16 मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। अलाव व्हील इसका 16 इंच का मिल जाता है साइज। और जिसके पहले मैं अभी जो लॉन्च हुई थी उसके पहले टायर की साइज नहीं आई थी, अब आ गई है जो काफ़ी शानदार है। टायर की साइज सेम ही रहती, जो सामने रहती है वो पीछे भी रहती है, जो 205/60 R16 और काफ़ी शानदार है। इसकी लंबाई की बात करें तो 4225 mm मिल जाती है। चौड़ाई इसकी 1760 mm मिल जाती है। ऊंचाई इसकी 1612 mm मिल जाती है। और बूट स्पेस इसमें 385 mm लीटर मिल जाता है। 5 सीटर के ग्राउंड कंडीशन इसमें 155 mm मिल जाता है। ग्राउंड कंडीशन जो है 188 mm मिल जाता है। व्हील बेस इसका 2651 mm का मिल जाता है। कर्व वेच इसका है 1185 से लेकर 1235 का मिल जाता है। ग्राउंड वेच इसका है 1630 mm किलोग्राम मिल जाता है। और काफ़ी शानदार 3-4 कलर में है, काफ़ी शानदार ग्राफिक और इंटीरियर काफ़ी शानदार फीचर मिल जाते हैं जो मैं आपको आगे में वीडियो में अभी बताऊंगा जो आगे। और पावर स्टेयरिंग मिल जाती है, पावर विंडो फ्रंट मिल जाता है। अंदर साइड की मैं पूरी जानकारी बता रहा हूँ। एयर कंडीशन मिल जाता है, हीटर मिल जाता है, एडजस्टेबल स्टेयरिंग, स्टेयरिंग पास स्कोडा का लोगो मिल जाता है। हेडलैम्प के लिए, वाइपर के लिए, वाशर के लिए पूरे कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं। हेडलैम्प के लिए, इंडिकेटर के लिए, वाइपर के लिए, वाशर के लिए, हॉर्न के लिए वहाँ पे जहाँ पे स्कोडा का स्टेयरिंग पास लोगो है वहाँ पे हॉर्न के लिए मिल जाता है। कॉल अन कॉल करने के लिए मिल जाता है हेडलैम्प के लिए, और कॉल अन कॉल करने के लिए बैलून अप डाउन करने के लिए, म्यूजिक सिस्टम के लिए, और पार्किंग सेंसर के लिए मिल जाता है। कुछ कंट्रोल मिल जाता है और सीट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे की और ड्राइवर सीट के बगल वाले पैसेंजर सीट। और वहाँ पे यूएसबी चार्जर मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है जिसमें आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं या फिर यूएसबी इनपुट करवा सकते हैं। यूएसबी इनपुट जो लगवाएंगे इनपुट निकल भी जाता है, लग भी जाता है। और ड्राइवर सीट के दौर में पूरे कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं, ग्लास अपडाउन करने के लिए, पावर लॉक अनलॉक करने के लिए, और ऊपर सनरूफ मिल जाता है, मूनरूफ भी मिल जाता है, और रूफ कैरियर मिल जाते हैं, और टच में सिम मिल जाती है, फॉग लाइट फ्रंट में मिल जाती है, और पार्किंग सेंसर के लिए मिल जाता है, रियर रेजिन लैंप मिल जाता है, रियर सेकंड वाइपर मिल जाता है, पावर एंटीना नहीं मिल पाता, अलाव व्हील मिल जाता है, सनरूफ, मूनरूफ, रूफ कैरियर, क्रोम पूरे फीचर मिल जाते हैं। LED में लाइटें मिल जाती है, अलाव व्हील 17 इंच के मिलते हैं, काफ़ी शानदार मिल जाता है। ट्यूबलेस और ट्यूब दोनों साइड में आता है।
और काफ़ी शानदार स्पेस मिल जाती है, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है। रेडियो और पावर सिस्टम, सुरक्षा लॉक, पावर लॉक मिल जाता है। इंजन बटन स्टार्ट मिल जाती है, इंजन आप बटन से स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी शानदार। पीछे वैसे की बात करें तो दो USB इनपुट मिल जाते हैं और AC सिस्टम के लिए मिल जाता है और LED में लाइटें मिल जाती हैं। ऊपर सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है, थोड़ी स्पेस मिल जाती है, काफ़ी शानदार। और बीच में हैंड रखने के लिए मिल जाता है, डोर में ग्लास ऑन करने के लिए मिल जाता है, 1 लीटर वाटर होल्डर मिल जाता है, पावर लॉक अनलॉक करने के लिए। और पीछे साइड बात करें तो स्कोडा का लोगो मिल जाता है और पार्किंग सेंसर मिल जाता है, कैमरे के लिए मिल जाता है और कुशक की बेजी मिल जाती है, 1.0 की TSI की बेजी मिल जाती है, सेली की बेजी मिल जाती है, काफ़ी शानदार। और एक वाइपर मिल जाता है, वाशर मिल जाता है, तेल लाइक काफ़ी शानदार मिल जाती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।